हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हमारा एजेंडा है। एजेंडा क्या? आज मेरा कोई कोडिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, वीडियो नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ लोगों ने मुझसे जानना चाहा था कि कैसे हम अपने यूट्यूब के वीडियो में सब टाइटल किसी भी लैंग्वेज में इनेबल कैसे कर सकते हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ लोगों से नहीं हो पा रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाता हूँ, दिस वन। ओके, तो आप देखोगे कि ये मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसका जो सब टाइटल है वो इंग्लिश में है। राइट, दिस वन। अगर इसको आगे बढ़ाता हूँ, राइट, और साउंड भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। साउंड दिस वन, तो आप देख रहे हो। लाइन मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है उसको, तो कैसे हम मैंने के बाद ये मैं एक ट्यूटोरियल तभी आई हिंदी थी में है मैंने तो एक्सपेक्ट कैसे कर मैं रहा हूँ इंग्लिश में वो अपने सब अपने टाइटल स्क्रिप्ट के को अंदर दिखा दिया। इनेबल कर सकता हूँ? और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, एक्सपेक्ट हिंदी करी आई में, थी कि इस उर्दू स्टेप में, में रसिया बटन में, जो भी लैंग्वेज और यूट्यूब इसके मुझे आगे मैंने प्रोवाइड बटन करता है मैं बना उसकी दिया बात कर रहा हूँ। बटन के। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। और एक एक और ले लेते हैं जिस पर आई थिंक सब टाइटल इनेबल्ड नहीं है। जनरली मैं अपने हर वीडियो में इनेबल नहीं रखता हूँ, लेकिन इसको और देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं, ओके नाउ देखो, ये देखो, राउटर डॉट रिक्वेस्ट अगर आप मुझे देखोगे इसके इसमें पैकेज को मेरा इंप्रूव करना होगा, रिकॉर्डिंग हिंदी में किस है, तरीके से करना लेकिन है ये मैं आपको यहाँ शो कर इसमें देता हूँ। इंग्लिश का सब टाइटल नहीं आ रहा, मतलब डिफॉल्ट किसी भी करना लैंग्वेज का होगा सब ताकि टाइटल नहीं है। एड तो हम पॉप अप में कैसे काम इस कर सके। वीडियो के हाँ, अंदर में इसके लिए कैसे मैं यहाँ अपने पर सब टाइटल को डिफॉल्ट इनेबल कर कर सकता सकता हूँ हूँ? नेविगेशन ओके, का तो पैकेज इसी से मैं आपको सिखाता हूँ। देखो करना क्या है, जब आपके पास ये वीडियोज़ की लिस्ट आती है, राइट, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे आपका एक फुल वीडियो हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने चैनल में जाइए, देन जिस भी वीडियो पर जाना है उसको एडिट मोड पर ले आइए। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट मोड में ले आता हूँ। हाउ टू यूज चैट जीपीटी तो नहीं, इसको ले आता हूँ। राइट, इसको जब मैं एडिट मोड पर लाऊंगा तो लेफ्ट में आपको देखो दो तरीके, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जनरली जो लोगों की गलती करने का तरीका आता है वो यहाँ जाते हैं, यहाँ चेक करते हैं अपने सब टाइटल को। और चलो ये भी मैं करके दिखा दूंगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि आपने जो हिंदी में रिकॉर्ड किया था उसका हिंदी ही कॉन्वर्जन यूट्यूब ने आपको शो कर दिया। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ नहीं जाना है, ना ही यहाँ से आप लैंग्वेज ऐड कर पाओगे। आपको लेफ्ट में क्लिक करना है, दिस वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट दिस वन। आपको इस सब टाइटल पर क्लिक करना है। जब इस सब टाइटल में क्लिक करोगे तो देखो क्या चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहले कि आपने, मैंने हिंदी में बनाया है, मैंने इंग्लिश में कराया है, तो एक ऑटोमेटिक कैप्शंस ऑलवेज आपके पास होगा, जिसके आगे एक बटन होगा डुप्लीकेटेड एडिट का। ये तो मैंने बाद में ऐड किया है, राइट, ये आपके पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके आगे एक डुप्लीकेटेड एडिट का बटन होगा। तो नंबर वन, ये आपकी वो डिफॉल्ट लैंग्वेज है जिसमें आपने वीडियो आपने रिकॉर्ड किया था, और उसका ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन इसने यहाँ पर दे रखा है। लेकिन मैं तो हिंदी को इंग्लिश में, हिंदी को रसिया में, हिंदी को उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर क्लिक करोगे। इससे क्या होगा कि ये इसी हिंदी लैंग्वेज का जो बेस होगा उसका एक डुप्लीकेट बना देगा। यानी कि जब मैं कोई लैंग्वेज ऐड करता हूँ तो उसको एक बेस चाहिए होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐड लैंग्वेज में क्लिक करूँगा तो इतनी सारी देखो लैंग्वेजेस आ रखी है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक मत करना, यही बहुत बड़ी गलती करती है, इस वजह से वो चीज़ इनेबल नहीं हो पाती या आपकी दूसरी लैंग्वेज में डाटा आपका ट्रांसलेट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रिपीटिंग, डुप्लीकेट एडिट पर क्लिक करो, एंड देन ये आपको दिखा देगा आपकी जिस भी लोकल लैंग्वेज में आपने उसको कन्वर्ट किया था। और देन यू हैव टू क्लिक इन पब्लिश। आप यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। पब्लिश पर क्लिक कर दोगे, एंड वेन यू क्लिक ऑन पब्लिश तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, उसने हिंदी का एक वीडियो लैंग्वेज बना दिया। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, इसको आप डिलीट रीनेम कर सकते हो, कि जब मैं ऐड लैंग्वेज करूंगा तो YouTube जिस भी लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करूंगा तो वो इसको बेस मानेगा, इस हिंदी वीडियो लैंग्वेज को बेस मानेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये स्टेप आपने सही फॉलो किया तो 101% आपका इनेबल हो जाएगा सब टाइटल किसी भी लैंग्वेज में। नाउ व्हाट आई नीड टू क्लिक हियर, और किस में करना है, सपोज इंग्लिश में करते हैं तो हम इंग्लिश में जाते हैं। इंग्लिश भी कौन सी, आपको इंडिया से करना है या जनरल इंग्लिश करनी है, कैनाडा, सपोज मैंने यूनाइटेड स्टेट कर दी, और आप यहाँ पर देखोगे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। देखो टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेरा इंग्लिश में है, अगर ये हिंदी में होता तो आप इसको कॉपी करके इंग्लिश पर, मतलब यहाँ पर इंग्लिश कन्वर्जन कर सकते थे, मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसी तरीके से यहाँ पर ये सब टाइटल आया एड, बस देखो रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट क्लिक किया आपको इसमें जाना है सब टाइटल में, ऐड करना है।
अब आप यहां पर देखोगे ऑटो ट्रांसलेट का एक बटन इनेबल हो गया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जिन लोगों का दूसरी लैंग्वेज में वीडियो कन्वर्ट नहीं हो पाता उनका ऑटो ट्रांसलेट ग्रे आउट होता है, वो डिसेबल्ड होता है। उसकी गलती क्या होती है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपने डुप्लीकेट एंड एडिट लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक बार दिस वन मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कैप्शंस राइट, और अब मैं इस पर ऐड करता हूँ और ये देखो ऑटो ट्रांसलेटेड हट गया। अब यही चीज आपको नोटिस करनी है कि अगर जनरली आपका ऑटो ट्रांसलेट ग्रे आउट है, अगर वो डिसेबल्ड है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपने अपने मेन कैप्शन का, मेन हिंदी लैंग्वेज का डुप्लीकेट एंड एडिट नहीं किया। आपको उसको इसमें क्लिक करना है, आपको पब्लिश में क्लिक कर देना है, देन उस लोकल लैंग्वेज का यहाँ पर ये एक डुप्लीकेट बनना चाहिए। एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे ऐड में क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो ट्रांसलेट आ जाएगा। यू हैव टू क्लिक हियर और देखो आपका पूरा विद टाइमिंग पूरा का पूरा वीडियो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। इसको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगता है कि इसने इंग्लिश गलत ट्रांसलेट करी, आप इसको चेंज कर सकते हो राइट। तो इट जस्ट फॉर एग्जाम्पल से, मैं तो डायरेक्टली पब्लिश कर रहा हूँ राइट। तो 101% मेरी हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। एक वन मोर लैंग्वेज हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक लैंग्वेज और ले लेता हूँ, सपोज और कौन सी लैंग्वेज ले सकते हैं, फ्रेंच, जर्मन ले लेता हूँ, ठीक है, जर्मन ऑस्ट्रिया। आपको यहाँ क्लिक करना है और आप देखोगे कि आपकी पूरी रे, देखो ऑटो ट्रांसलेट आ गया और दिस वन, ये दिस इज जर्मन, पब्लिश राइट। तो दैट इज द फाइनल स्टेप। और अब इसके बाद अगर मैं इस वीडियो को दोबारा वापस जाते हैं, मैं इस यहीं से क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम इन नेटवर्क, मैं इसको दोबारा ये रन कर देता हूँ। एक स्लो नेटवर्क की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। स्किप और आप चलाते हैं, कौन कर देता हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ी बहुत स्पेलिंग या जो प्रोनाउंसिएशन है मेरा उसके अकॉर्डिंग गलत भी हो सकती है, वो आपको थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ सकता है देखो, लेकिन तब भी उसने देखो ऑटो ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा लैंग्वेज बदले, अगर आपने कैप्शन दे रखा है तो देखो यहाँ पर दिस वन, और यहाँ पर देखो ये सब टाइटल आ गया, इस पर क्लिक करोगे ये देखो आ गया इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मन। अब मैं जर्मन में क्लिक करूंगा, ये देखो कोई रिक्वेस्ट होगी जर्मनी में कन्वर्ट हो गया मेरा, मेरी हिंदी लैंग्वेज जर्मनी में कन्वर्ट हो गई। एंड देन अगेन मैं यहां पर जाता हूं सेटिंग, आपके ऑस्ट्रेलिया हिंदी एंटर करेगा ये देखो, और इसके लिए आपको नेक्स्ट नेविगेशन इसने हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया। और अगेन मैं जाता हूं तो किस तरीके से कर रहा है ये मैं आपको यहां शो कर देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें अभी ऐड कंपोनेंट में काम करना है, तो आप इसको इंपोर्ट करोगे यूज राउटर, नेक्स्ट नेविगेशन आपका पैकेज है, ओके। तो गाइस आई होप कि आई कुड एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू इनेबल सबटाइटल इन योर वीडियो लैंग्वेज राइट, ओके। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।